गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. नाउ ओपन योर एक्टिविटी नंबर 7. फर्स्टली यू राइट डेट, क्लास वर्क एंड राइट इन कॉपी. दैट मीन्स योर एक्टिविटी नंबर 7 इज योर कॉपी वर्क. ओके, नाउ इन एक्टिविटी नंबर 7 यू हैव गिवन सम वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 57,295. अगर दो नंबर्स का सम इतना है, इफ़ वन नंबर इज़ 25,487, अगर उसमें से एक नंबर इतना है, फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ इन सॉल्व यू हैव गिवन सम ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स का सम आपको दिया गया है 57,295. वन नंबर इज इक्वल 25,487. देन सेकेंड नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर माइनस फर्स्ट नंबर. ओके, तो टोटल नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, इन सॉल्व यू गेट 31,808. इज इट क्लियर? नाउ इन आंसर यू राइट दस द सेकेंड नंबर इज 31,808. नाउ इन सेकेंड नंबर यू हैव गिवेन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 4,75,173. एक सिटी की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या दी गई है इतनी है. इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज़ 2,58,745, अगर मेल्स की संख्या इतनी है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी. तो उस सिटी में फीमेल्स की संख्या कितनी होगी ये बताना है. ओके, नाउ इन कॉपी यू राइट एक्टिविटी नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन नंबर 2 द पॉपुलेशन डैश डैश इन द सिटी. दैट मीन्स टू वर्ड्स स्टार्टिंग एंड लास्ट थ्री वर्ड्स. ओके, नाउ इन सॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 4,75,173. इन नेक्स्ट लाइन नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स की संख्या कितनी है, 2,58,745. नाउ नंबर ऑफ फीमेल्स, तो और फीमेल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, नाउ फॉर सब्ट्रैक्टिंग 13 माइनस 3, 3 माइनस 5 इज इम्पॉसिबल, सो रीग्रुपिंग स्टार्ट 6 एंड 13. ओके, 13 माइनस 5 इज 8, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 7 इज इम्पॉसिबल, सो रीग्रुपिंग योर नंबर 4, कट 4 एंड राइट कट 1 एंड कट 11. नाउ 11 माइनस 7 इज 4, 4 माइनस 8 इज इम्पॉसिबल, सो रीग्रुपिंग योर नंबर्स, कट 7 राइट 6 एंड कट 4 राइट 14. ओके, 14 माइनस 8 इज 9 10 11 12 13 14. ओके, 6 एंड 6 माइनस 5 इज 1 एंड 4 माइनस 2 इज 2. इज इट क्लियर? नाउ 2,16,428 इज द नंबर ऑफ फीमेल्स. ओके, नाउ इन आंसर यू राइट 2,16,428 फीमेल्स. इज इट क्लियर? नाउ इन फोर्थ नंबर, इन थर्ड नंबर यू हैव गिवेन वॉट मस्ट बी एडेड टू इतना टू गेट इतना. दैट मीन्स आप इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कि आपको ये मिलेगा. तो आपको क्या करना है, इस टोटल जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा. सेम इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ सॉल्व योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस खन्ना हैज़ 8,28,050 इन हर बैंक अकाउंट. मिसेस खन्ना के बैंक अकाउंट में कुल इतने जो हैं वो रुपए हैं. सी स्पेंट 4,57,375 टू बाय अ न्यू कार. एक कार खरीदने के लिए वो इतना पैसा खर्च करती हैं. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट. उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है ये बताना है. नाउ इन सॉल्यूशन यू राइट मिसेस खन्ना हैज़ मनी इज इक्वल 8,28,050. ओके, सी स्पेंट मनी, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, 4,57,375. नाउ फॉर लेफ्ट मनी यू राइट लेफ्ट मनी इज इक्वल 8,28,000. जितना टोटल उनके पास अकाउंट में है पैसा, उसमें से जितना पैसा उन्होंने खर्च किया उसको माइनस कर देंगे. ओके, नाउ 0 माइनस 5 इज इम्पॉसिबल, सो रीग्रुपिंग स्टार्ट, कट 5 राइट 4, कट 0 राइट 10. 10 माइनस 5 इज 5,
4 minus 7 is impossible. So regrouping your number, cut 8, write 7, cut 0, write 10, cut 10, write 9, and cut 4, write 14. Okay. Now 14 minus 7 is 7, 9 minus 3 is 6, 7 minus 7 is 0, 2 minus 5 is impossible. So regrouping start, cut 8, write 7, cut 2, write 12. 12 minus 5 is what? 12 minus 5 is 7, and 7 minus 4 is 3. Okay, now rupees. That means C has rupees 3,70,675 in her account. Itna paisa unke account mein basta hai. Okay. Now in fifth number, you have given 1,45,280 students appeared in an examination. एक examination में total इतने बच्चे जो हैं वो appear होते हैं. If 1,28,425 students passed the examination, अगर examination इतने बच्चे कुल pass होते हैं, how many students failed? तो कितने बच्चे fail हुए ये बताना है. For number of failed student, you subtract 1,28,425 from total number of students appear in the examination. Okay? Now you solve yourself. Question number 6. Raja bought a television set for ₹38,450. Raja एक television set खरीदता है इतने रुपए का. He gave 40,000 to the shopkeeper. अगर वो उसमें से 40,000 shopkeeper को देता है, how much money will he get back? तो उसको कितना पैसा वापस मिलता है ये बताना है. Okay? Now for solution, you write Raja bought a television is equal ₹38,450. ये write करेंगे. उसके बाद राइट करेंगे ही गेव मनी टू द शॉपकीपर. उसने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया, कितना रुपए दिया, रुपीज़ 40,000. ओके, नाउ ही गेट बैक मनी, तो उसको कितना रुपए वापस मिला. इसके लिए क्या करेंगे, जितना उसने टोटल शॉपकीपर को दिया है उसमें से जितना का टेलीविज़न है उस कॉस्ट को माइनस करा देंगे. सो 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 minus 5 is impossible, so regrouping start, cut 4, write 3, cut 0, write 10, cut 10, write 9, cut 10, ये 10 हो जाएगा, फिर ये दे दिएगा 9, ये दे दिया 10, okay, 10 minus 5 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1, and 3 minus 3 is 0, sorry, यहाँ 9 minus 4 is 5, ये 5 हो जाएगा, is it clear? Now, 3 minus 3 is 0 or rupees. That means he get back money is rupees 1,550. Matlab ki usko itna rupay vapas milega. Is it clear? Now in last question you have given a dictionary has 88,728 words. Ek dictionary mein itne words hain. Mohan has read 37,487 words out of these. उनमें से मोहन अगर इतना words पढ़ लेता है, how many words are left to be read? कितना word बचा है उसको पढ़ने के लिए. तो उसको क्या करेंगे, जितना total dictionary में word है उनमें से जितना उसने पढ़ लिया उसको subtract कर देंगे तो left words मिल जाएंगे. Is it clear? Now student, you solve your activity number 7. In your classwork copy with the help of PDF and rest part in your homework copy. Thank you.